अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां पर केंद्र सरकार ने आवेदन देकर ये कहा है कि जो राम जन्मभूमि को लेकर विवादित स्थल है उसे छोड़कर बाकी जमीन राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाए, जिससे आगे का काम किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि जो स्टे दिया गया है उसे भी खत्म कर दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को यूपी बीजेपी ने सकारात्मक पहल बताते हुए इसका स्वागत किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी ये मानती है कि केंद्र सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है, और जो अयोध्या में काफ़ी दिनों से ये चर्चा थी कि विपक्ष भी आरोप लगाता था, लोग भी कहते थे कि केंद्र सरकार ने कोई अहम पहल, उसमें एक सकारात्मक पहल पूरे देश में जनमानस में आज की सुबह एक नई खुशियाँ लेकर आई है। पूरे विश्व भर से लोगों के मैसेज आने लगे, और जहाँ तक दो पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में उस विवाद में जो लंबित है उसमें पार्टियां, उसमें भी अंसारी का बयान आया है कि वो भी इस मामले से प्रसन्न है कि केंद्र की इस पहल का वो स्वागत करते हैं। अब इस सिलसिले को लेकर सरकार की तरफ से एक नए विवाद को जन्म देना, ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के हल के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जब जब हल की बात आती है और ये मरहला अपने आखिरी कगार पर आता है, फिर इस तरीके की कोशिशें की जाती हैं ताकि इस मामले को और तूल दिया जा सके। जो टाइटल सूट है उसको निपटाने के लिए जब केंद्र सरकार 4.5 साल तक सरकार बनने के बाद से अब तक कुछ नहीं कर सकी है, तो ये चुनावी मौसम में ये इस तरीके का वातावरण बनाकर अपने निराश और उदास कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का प्रयास करती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पर पूरी तरीके से खरी उतरने का प्रयास कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट थी तो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से केंद्र सरकार ने अब तक कोई पक्ष क्यों नहीं रखा था।